आईपीएल 2022 के 28वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद पंजाब किंग्स से टकराई। ये मैच डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया। एक बार फिर सनराइजर्स ने टॉस जीता और केन विलियमसन ने बोलिंग करने का फैसला लिया। पंजाब के लिए मयंक अग्रवाल की अनुपस्थिति में शिखर धवन टीम की कप्तानी संभाल रहे थे। पंजाब को अच्छी शुरुआत नहीं मिली। टीम के लिए लियम लिविंगस्टन ने शानदार 60 रन बनाए। पंजाब ने हैदराबाद के लिए 152 रन का टारगेट सेट किया। स्कोर के जवाब में केन विलियमसन सिर्फ 3 रन ही बना पाए। इसके बाद राहुल त्रिपाठी ने अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर 48 रन की साझेदारी निभाई। बाद बचा हुआ काम एडन माक्रम और निकोलस पूरन ने 75 रन की साझेदारी निभाकर पूरा कर दिया। ये सनराइजर्स हैदराबाद की लगातार चौथी जीत थी। इस मैच को लेकर ट्विटर पर खूब बात हुई। आइए जानते हैं इसे लेकर फैंस ने क्या कहा। हैशटैग लियाम लिविंगस्टन। इंग्लैंड के इस बल्लेबाज ने आईपीएल 2022 में खूब नाम कमाया है। लिविंगस्टन पंजाब किंग्स के लिए बैटिंग मेनस्टे के रूप में उभर कर आए हैं। पंजाब ने इस मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन को 11.55 करोड़ में खरीदा था और इस प्लेयर ने अपनी कीमत को पूरी तरह से सही भी ठहराया है। पंजाब ने अब तक जितने मैच जीते हैं सब में लिविंगस्टन का भारी योगदान रहा है। सनराइजर्स के खिलाफ भी फैंस को कुछ ऐसा ही देखने को मिला। अपनी पारी को बेहतरीन तरीके से गति देते हुए लिविंगस्टन ने 33 बॉल में 60 रन बनाए। ये आईपीएल 2022 में लिविंगस्टन के बल्ले से तीसरी हाफ सेंचुरी थी। हालांकि इस पारी के बावजूद वो टीम को नहीं जिता सके। हैशटैग भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार कई सीजन से सनराइजर्स हैदराबाद का अहम हिस्सा रहे हैं। इस सीजन मैच दर मैच भुवी ने दिखाया कि क्यों टीम मैनेजमेंट उन पर इतना भरोसा करती है। पंजाब किंग्स के खिलाफ भुवी एक बार फिर अच्छी लय में नजर आए और उन्होंने 3 अहम विकेट निकाले। इससे भुवी का आईपीएल का आंकड़ा 150 तक का पहुंच गया। भुवी ने आईपीएल में इंडियन पेसर्स में अब तक सबसे ज्यादा विकेट निकाले हैं। एक फैन ने लिखा, भुवनेश्वर कुमार आईपीएल में 150 विकेट तक पहुंचने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बने हैं। ये आईपीएल के ऑल टाइम ग्रेट्स में से एक हैं। हैशटैग उमरान मलिक। सनराइजर्स का मैच हो और उमरान मलिक ट्रेंड ना हो, ऐसा तो कम ही देखने को मिलता है। अपनी पेस के लिए पहचाने जाने वाले उमरान ने पंजाब की बैटिंग के लोअर ऑर्डर को अकेले दम पर निपटा दिया। जितेश शर्मा को 8वें ओवर में आउट करने के बाद इनिंग्स के आखिरी ओवर में मलिक ने ओडियन स्मिथ, राहुल चहर और वैभव अरोड़ा को भी आउट किया। अपने 4 ओवर में मलिक ने सिर्फ 28 रन दिए। उनका आखिरी ओवर मेडन भी रहा। उनकी बॉलिंग देखकर शशि थरूर ने भी ट्वीट कर दिया। उन्होंने लिखा, हमें भारत की टीम में इनकी जरूरत है। उमरान बेहद प्रतिभाशाली हैं। उनके खर्च होने से पहले हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए। उसे टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड ले जाए। बुमराह और उमरान एक साथ गेंदबाजी कर अंग्रेजों को डरा देंगे। हैशटैग ओडियन स्मिथ। पंजाब के लिए ओडियन स्मिथ ने एक मैच जिताया है, लेकिन उसके बाद से उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ स्मिथ ने 8 बॉल में 25 रन लगाकर अपनी टीम के लिए इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन किया था। इसके बाद से टीम में उनका कोई अहम योगदान नहीं रहा है। गुजरात टाइटंस के खिलाफ स्मिथ की आखिरी 2 बॉल पर छक्का लगाकर राहुल तेवतिया ने गुजरात को मैच जिताया था। एक यूजर ने उनके सिलेक्शन पर सवाल खड़ा किया और अनिल कुंबले को भी लपेटे में ले लिया। उन्होंने लिखा, भानुका राजपक्षे की जगह लगातार ओडियन स्मिथ का चयन आपको बताता है क्यों कुंबले को भारतीय कोच के पद से बर्खास्त किया गया था। पंजाब किंग्स का अगला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से 20 अप्रैल को होगा। वहीं दूसरी तरफ एसआरएच अपना अगला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ 23 अप्रैल को खेलेगी। ये खबर आपके लिए लिखी है पुनीत ने। ऐसे ही खेल से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। पड़ोसियों की तान और गूगल बाबा के ज्ञान में फंसे मम्मी पापा के लिए अब आ गया समाधान। ऑर्डिनरी का नया शो परवरिश, जो आपके बच्चे की पढ़ाई से लेकर उसकी डाइट तक आपका देगा साथ। ये है एक कंप्लीट शो आपके बच्चे के लिए और आपके लिए। तो देखना मत भूलिएगा हर बुधवार ऑर्डिनरी पर परवरिश गीतिका के साथ।